अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम नाउन को स्टडी करेंगे। जी हाँ, नाउन, वो नाउन जब आप पैदा होते हैं तो सारे घर वाले, आपकी फूफियाँ, आपके चाचू, आपकी मासियाँ जो होती हैं, वो ये कहती हैं कि हम इस बच्चे का एक नाम रखते हैं। तो क्या होता है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स है, आपको आपके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ नज़र आ रही होती है तो इसको एक नाम दिया जाता है। और अगर हम इंग्लिश के अंदर नाउन की बात करें तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। इसकी डेफिनेशन जो है ना, मैं आपके सामने लिखता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। नेम ऑफ एनी नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। के किसी भी पर्सन प्लेस या चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है। मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मैं लिखता हूँ अली। अली एक शख्स का नाम है, मींस के ये अली एक पर्सन है और पर्सन को हमने क्या नाउन के तौर पे क्या कह रहे हैं, हम अली कह रहे हैं। उसके बाद मैं आपके सामने लिखता हूँ डडयाल। एज यू नो वेरी वेल कि डडयाल जो है एक प्लेस का नाम है, एक सिटी का नाम है जिसके अंदर आप रह रहे हैं। तो क्या डडयाल क्या होगी? प्लेस। इट मीन्स के हियर वी हैव गिवन द नेम टू अ सिटी डडयाल। उसके बाद मैं लिखता हूँ आपके सामने पेन। पेन क्या चीज़ है? पेन एक चीज़ का नाम है। तो कोई भी जो चीज़ आपके आसपास हो, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास मार्कर है या ये वाइट बोर्ड है, ये भी नाउन्स की एग्जांपल है। तो हमने क्या देखा कि नाउन क्या होता है? एनी नेम ऑफ एनी थिंग, एनी प्लेस, एनी पर्सन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। और आपके आस पास या कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, बेशक वो आपको नज़र नहीं भी आती, बट आप उनको कोई ना कोई नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो है ना नाउन को डिफ़ाइन किया, उसके बारे में अच्छे तरीके से जाना कि नाउन क्या होता है। तो अब मैं यहाँ पे इसी लेक्चर के अंदर आपको काइंड्स ऑफ नाउन बताऊँगा, जो उसकी जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काइंड्स हैं वो आपके सामने उनको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आपके लिटरेचर के अंदर या जो आपकी राइटिंग के अंदर ज़्यादा यूज़ होती है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है जी? कि कोई भी चीज़ जो है जिसको आप इम्पोर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का नाम, कायदे आज़म की अगर आप एग्जांपल लें तो क्या हो गया, ये एक प्रॉपर नाउन है। जिस तरह आपका नाम है, ये भी आपका एक प्रॉपर नाउन है। तो सारी जो चीज़ें हैं जिनको जिनके बराबरी की कोई और चीज़ नहीं होती, आपको नॉर्मली जो है ना उसे उसके बराबर की है, उस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, उसको क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल में अली का नाम लिया था, यहाँ पर जो नाम क्या कह देते हैं? इकबाल। इकबाल जो है एक प्रॉपर नाउन की एग्जांपल है। इसी तरह दूसरे नंबर पे आता है जी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है किसी भी चीज़ का जो आपके आसपास जो भी चीज़ मौजूद है उसको क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन कहा जाता है, कि जो कि आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगती, आपको उसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें और भी नज़र आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर। तो चेयर जो है एक चेयर नहीं है, चेयर कोई भी हो सकती है, ये वाली चेयर, वो वाली चेयर, कोई भी चेयर हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स को कहा जाता है जिसके अंदर आप क्या बयान करते हैं? किसी भी क्वालिटी को या किसी भी ऐसी चीज़ हो सकता है कि आपको नज़र ना आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बयान करता हूँ आपके सामने क्वालिटी, क्योंकि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होना जो है एक क्वालिटी है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको अब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। और कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ों को रखा जाता है। मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ कि जो क्लास के स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट होता है तो वो एक स्टूडेंट के तौर पर जाना जाता है, बट अगर वो कलेक्टिवली हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक क्लास बोलते हैं, क्लास। या आपने आर्मी की जो आपके सामने एग्जांपल है वो भी एक कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल है। कंपाउंड नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं? दो नाउन्स को आपस में मिला देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं जी के फूड स्ट्रीट। फूड भी एक नाउन है, स्ट्रीट भी एक इंडिविजुअली जो है वो नाउन है, बट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं? एक
कंपाउंड नाउन बना जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन, ऐसी जो भी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, आपके आसपास हैं, जिनको आप गिन सकते हैं, उनको कहा जाता है काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल आप पेंसिल्स, कुछ और भी चीज़ें, ग्लासेस या कुछ भी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, उसको काउंटेबल नाउन कहा जाता है। और ऐसी जो चीज़ें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते, उनके लिए आप क्या कर कहते हैं जी कि आप अनकाउंटेबल नाउन का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि आप क्या कहते हैं जी, वाटर, वाटर अकेले में वाटर जो है अनकाउंटेबल है। आप ये नहीं कह सकते जी कि दो वाटर तो तीन वाटर, आप ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते। हमने यहाँ पे काइंड ऑफ नाउन को पढ़ा, नाउन की सेवन जो है वो इम्पोर्टेंट काइंड हैं। पहली काइंड प्रॉपर नाउन, दूसरी कॉमन नाउन, अब्सट्रैक्ट नाउन, कोलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने नाउन की काइंड का दिया है और नाउन का दिया है आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।